एवरीबॉडी, कैसे हाल चाल है आपके? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो आज का व्लॉग देखिए, डेफिनेटली अच्छा। एंड आई एम डूइंग होमवर्क। ऑलराइट, मिमी अपना होमवर्क कर रहा है। बहुत सारे समय से मैंने वीडियो शूटिंग की है क्योंकि मैं शूट कर ही नहीं पाई हूँ। कुछ दिन पहले मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी। हर बार वीडियो को शुरू करने से पहले मुझे ये बताना अच्छा नहीं लगता है कि तबीयत अच्छी नहीं थी, पर या ये सच है। एंड उसके बाद उसके पिछले हफ्ते मैंने काफ़ी ज़्यादा बुरी एंग्जाइटी एंड पैनिक अटैक्स के साथ डील किया रेगुलरली काफ़ी सारे दिन। और इस बार तो इतना ज़्यादा वियर्ड हो गया था कि कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। और उसको कंट्रोल करने के लिए जो मैं टिप्स यूज़ करती हूँ उसकी वीडियो मेरे चैनल पे है ऑलरेडी, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। एंड कुछ दिन पहले हम लोग कॉस्को गए थे मेरी प्रिस्क्रिप्शन पिक करने के लिए। उस दिन मैंने ब्लॉग करने की कोशिश भी की थी पर कम्प्लीट नहीं हो पाया। पर यस, हम लोग कॉस्को गए थे। Never roll back, I won't go back. Don't wanna waste time with you. Wanted you so bad. Didn't hold back. And now I can't forget you. Climbing mountains in my head, 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 head. Tell me all the little things you never said, said, said. And it's clear to see your love for me is dead, dead, dead. And I want you to know. ऑलराइट, जब ग्रॉसरी शॉपिंग करने के बाद हम घर पहुँचे, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती थी और मैंने कोई भी चीज़ें सेट नहीं की। फ्रीज़र वाली हमने फ्रीज़र में रख दी, पर हम ये फ्रोज़न, नॉट फ्रोज़न एक्चुअली, ये स्प्रिंग रोल लेके आए थे जो रेडी टू ईट है, काइंड ऑफ आपको सिर्फ हीट करना होता है। तो मैंने इसे कर लिया है एयर फ्रायर में। और इसके साथ मैं थोड़ा सा सैलड बनाने वाली हूँ जिसके लिए मैं कैबेज को श्रेड कर लूँगी ये ग्रेटर के साथ। एंड उसके बाद इसमें थोड़ा सा अनियन ऐड करेंगे, स्वीट चिली सॉस ऐड करूँगी मैं, और जो बेबी कॉर्नस लेके आई हूँ मैं उसको भी मैंने ना काइंड ऑफ स्टीमी कहेंगे इसको, बट मैंने उबलते पानी में इनको डाला एंड देन दे आर रेडी टू ईट। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा लेमन स्क्वीज, सॉरी लाइम स्क्वीज कर लूँगी एंड थोड़ा सा चाट मसाला। एंड इस तरह ये हमारा स्नैक हो जाएगा एंड यू नो जो भी मेरी भूख है वो थोड़ी शांत हो जाएगी। और ये काफ़ी डिलिशियस था। स्प्रिंग रोल तो मैं नहीं खा पाई हूँ ज़्यादा, एक ही खाया मैंने, पर मैंने बेबी कॉर्न बहुत ज़्यादा खाया। मुझे बेबी कॉर्न बहुत अच्छे लगते हैं। I need peace of mind, that purity. Pursue with urgency, like the shit emergency. Lucy, she immersing me. And when I wake up, emerging is the new of me. Instagram for you to see. Snapchat my life away. What the fuck it do to me? Swear this shit is screwing me. Up like a jubilee. Jump when I say so. Hi, Lucy. ओके, सो मैं मेरी क्लॉजेट में हूँ, कपड़े चेंज करने के लिए आई हूँ। घर आके हम बहुत ज़्यादा, हमें भूख लगी थी तो हमने जल्दी जल्दी से चीज़ें खा ली थी। हमने कल का बचा हुआ पिज्ज़ा था थोड़ा सा, वो खा लिया। पर उसके बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स किया, ये वो किया, आलतू फालतू चीज़ें की। और अब मैं कपड़े चेंज करने के लिए आई हूँ क्योंकि उसके बाद मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि चाय पीते हैं। वैसे वो ज़्यादातर चाय नहीं पीते हैं, सो हम शाम की चाय पीनी हमने छोड़ ही दी है। पर आज बहुत समय के बाद कहा है उन्होंने तो मैं बना लेती हूँ। दूसरी चीज़ है कि मैं वीडियो शूट करने के लिए वेट कर रही थी इसलिए मैंने कपड़े चेंज नहीं किए। मैं सोच रही थी कि जो कॉस्को की मेरी टॉप 10 लिस्ट है उसे मैं शूट कर लूँ, पर अब अंधेरा हो रहा है और आई एम टू टायर्ड और मैं अच्छी वीडियो बनाना चाहती हूँ, तो मैंने सोचा कि कल ही करेंगे। सो कपड़े चेंज कर लेते हैं एंड आज के दिन को गुडबाय करते हैं, डन फॉर द डे। या सो मैं पहनूंगी कोजी पजामा जो कि मैं लेके आई हूँ वॉलमार्ट से। वॉलमार्ट के पजामे मुझे अच्छे लगते हैं। और इस रूम में आपको हर तरह फैब्रिक ही मिलेगा क्योंकि मैं इस रूम में बहुत ज़्यादा समय स्पेंड कर रही हूँ। पिछले 10 दिन से मैं अपनी ड्रेसेस पे काम कर रही हूँ और काफ़ी सारी मेरी ड्रेसेस मैंने कंप्लीट भी कर ली है, पर आउटडोर वाला शूट करना भी बाकी है। वो इसलिए मैं कर नहीं पाई हूँ क्योंकि यहाँ पर ठंडी हो गई है दोबारा से, और आज तो जब हम उठे सुबह तो स्नो भी पड़ी हुई थी। कैन यू गाइस बिलीव, स्केरी स्नो जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। और अब तो मंथ भी अप्रैल का एंड चल रहा है, अब तो मौसम बहुत अच्छा हो जाना चाहिए था पर पता नहीं सम रीज़न अभी भी ठंडा है। सो हिम्मत यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा होमवर्क कर रहा है। एक्चुअली होमवर्क नहीं है, हम ऐसे घर में प्रैक्टिस करते रहते हैं चीज़ों की, लाइक साइंस, सोशल स्टडीज़, मैथ्स एंड इंग्लिश की। सो उसी के कुछ पेजेस वो कंप्लीट कर रहा है। ये अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसको मैंने ख़रीदा था कॉस्को से
अच्छी डील मिलती है वहाँ पे, और बहुत सारा वर्क बुक बन जाती है बच्चों की कुछ ना कुछ करने के लिए, क्योंकि अगर कुछ नहीं करवाएंगे तो फिर वो टाइम ख़राब करते हैं। सो कॉस्को से हम लोग लेके आए थे ये ब्रेड वाले बंस जो हिम्मत को बहुत अच्छे लगते हैं, पर हिम्मत पूरे खा नहीं पाता है, और दिस टाइम ये एक्सपायर होने वाले थे आई थिंक 2 या 3 दिन में। तो इसको फिनिश करने के लिए मैंने पाव भाजी बना ली, और पाव भाजी बहुत अच्छी बनी थी। अगर आप ने रेसिपी नहीं देखी तो मुझे लगता है किसी ब्लॉग में मैंने ज़रूर से शेयर की होगी, सो आप सर्च बार में सिमार एंड पाव भाजी सर्च करें, आपको मिलेगी, और ये ज़रूर से ट्राई करना, रेसिपी बहुत आसान है और बेस्ट भाजी बनेगी। या और गाइस लुक हिम्मत को भी बहुत अच्छी लगती है, वैसे वो सब्जियाँ नहीं खाता पर उसमें मैं सारी सब्जियाँ ऐड करके मैश कर देती हूँ, और हिम्मत भी बहुत खुशी से खा लेता है। हिम्मत की फेवरेट है, यस। ये एक्स्ट्रा काम कर रही हूँ मैं फ्यूचर के लिए। हम लोग मेथी के पत्ते लेके आए थे, एक्चुअली मेथे के पत्ते लेके आए थे, तो उसको क्लीन करने में बहुत मेहनत लगती है। जब उसको मैं क्लीन कर लेती हूँ तो मेरी कोशिश होती है तो यूज़ भी कर लिया जाए जल्दी जल्दी, क्योंकि पत्ते बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने ये बहुत अच्छा आटा गूंद लिया है जिसमें मैंने लेफ्ट ओवर दाल डाली है, पत्ते डाले हैं, एंड आटे को गूंद के हम फ्यूचर के लिए रख लेंगे ताकि हम परौंठियाँ खा पाएँ। इसकी ये जो परौंठी है पौष्टिक है, अच्छी है, बचा हुआ फूड आप यूज़ कर लेते हैं और हिम्मत भी खा लेता है। और उसके बाद बनेगी पाव भाजी। पाव भाजी के लिए भी मैं जो भी मेरे पास सब्जियां हैं वो सारी चीज़ें मैं यूज़ करूँगी और मज़ेदार भाजी बनाऊँगी जिसको खा के हिम्मत एंड हस्बैंड दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। सो आप देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है मेरी भाजी, एंड पाव भी रेडी है और पाव ख़त्म भी हो जाते हैं। एंड यस, आप ज़रूर से ट्राई करना, अच्छी लगेगी। This is my favorite food ever. What is this? Pav bhaji. व्लॉग बनाने की काफ़ी अजीब लग रहा है मुझे, क्योंकि कितने दिन से मैंने बनाई नहीं है वीडियो, पर मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें शेयर करना चाहती हूँ एंग्जाइटी को लेके। वो है कि जैसे मैं बहुत ज़्यादा बुरी तरह एंग्जाइटी से डील कर रही थी, तो मैंने सोचा कोई भी चीज़ मुझ पर हेल्प नहीं कर रही है। मैं मेडिटेट करने की कोशिश कर रही हूँ पर मेरी बॉडी में भी इतनी ज़्यादा पेन हो रही थी, रूमेटॉइड की फ्लेयर्स चल रही थी, बॉडी में भी पेन थी और कुछ भी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था मुझे। सो क्या हुआ कि मेरे मन में आया कि मैं अपनी डायरीज पढ़ती हूँ, और डायरीज लिखने का शौक हुआ करता था मुझे लाइक एवरी डे। आई थिंक 2006 या 2005 से लिखनी शुरू की थी मैंने, और 2014-15 तक मैंने काइंड रेगुलर डायरी लिखी है, तो काफ़ी सारे मेरे पास जर्नल है मेरी लाइफ के, बहुत अच्छे अच्छे एपिसोड, बहुत बेकार, जो भी मैंने लिखना चाहा उसमें मैंने लिखा। उसके बाद मैंने ओकेजनली लिखना शुरू कर दिया कि जब भी मुझे लगता है कि मुझे लिखने की ज़रूरत है तो मैं काफ़ी सारे पेजेस लिख देती हूँ, अदरवाइज कितने महीने लिखती भी नहीं हूँ, पर लिखना चाहिए एवरी डे। सो इस बार मेरी एंग्जाइटी को हेल्प किया इस डायरी ने। मैंने अपनी 2005 और 2006 वाली डायरी पढ़ी और कुछ पेजेस मैंने उसके फाड़ भी दिए, क्योंकि मुझे लगा कि यार क्या लिख रही हूँ मैं, व्हाट इज दिस। पर उसको पढ़ के धीरे 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 इतना मज़ा और इतना रिलीफ मिला कि जब मैं अपनी ज़िंदगी के उस समय में थी तो मेरे थॉट्स कैसे थे, क्या मैं चीज़ों को मेरी ज़िंदगी में पाना चाहती थी, क्या मेरी इच्छाएं थी, और आज मैं कहाँ पे हूँ, और सिर्फ एक बैड हेल्थ की वजह से मैं चीज़ों को छोड़ नहीं सकती हूँ। बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली, बहुत प्रोडक्टिव फील किया मैंने, बहुत ज़्यादा काम किया मैंने। सो मैं अपने आप को बैक टू उस हैबिट में लाना चाहती हूँ जिस दिन मैं, जहाँ पे मैं रोज़ कुछ ना कुछ लिखूँ, बेशक 5 लाइनें लिखूँ या कुछ भी, पर लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत अच्छी आदत है। उसको आपको अपना पास्ट पढ़ के इतना मज़ा आता है ना, वो कोई चीज़ मज़ा नहीं दे सकती हो, आपको इतनी सेटिस्फैक्शन मिलती है ना
कि तब मैं क्या चाहती थी, आज मैं कौन सी स्टेज पे हूँ। सो आप भी ज़रूर से लिखा करें। ये सिर्फ एंग्जाइटी वाले लोगों के लिए नहीं है। अगर आप नॉर्मल बंदे हैं, हैप्पी हैं, तब भी लिखें, हैप्पीनेस लिखें अपनी, ताकि कभी फ्यूचर में आपको ज़रूरत पड़े तो आप उस पेजेस को खोल के पढ़ सकते हैं। और ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, ताकि आपका दिमाग हमेशा खाली एंड फ्रेश रहे, क्योंकि जो भी आपके दिमाग में आलतू फालतू चीज़ें चलती हैं वो आपने बाहर लिख दी हैं। सो या दोस्तों, ज़रूर से लिखने की आदत डालें, कुछ ना कुछ लिखते जाएं। या एक और बहुत अच्छी बात है कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको कभी भी किसी के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये रेसिपी है टोटल डिज़ास्टर की, अनहैप्पीनेस की। क्योंकि अब जब आप किसी के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं ना, तो बहुत अनहैप्पी हो जाते हैं। सो जब मैंने मेरी डायरी पढ़ी, 2005 वाली मैं और आज वाली मैं को कंपैरिजन करके बहुत मज़ा आया कि मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, कितना इम्प्रूव किया, कितना अपने आप को बेटर करने की कोशिश करती हूँ मैं, और इसमें बहुत मज़ा आता है। तो आपको अगर कंपैरिजन करने की ज़रूरत है तो अपने पास के साथ कंपेयर करें अपने आप को, क्या क्या आप पास में जैसे थे आज उससे बेटर हुए हैं या नहीं। अगर नहीं हुए हैं तो चिंता करें, अगर हुए हैं तो यू आर गुड। आपको किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है, सिर्फ अपने साथ ही कंपेयर करना है। सो यार, यही है आज के व्लॉग में। उम्मीद है कि आपको ये बातें अच्छी लगी होंगी। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हैं तो ज़रूर से बताना, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मैं मिलूंगी आपको नए वीडियो में जल्दी ही। कोशिश होती है मेरी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ, पर फिर कई बार मेरी सेहत अलाउ नहीं करती है, पर आई डू इट। अब बहुत सारी प्यारी प्यारी ड्रेसेस वाली वीडियोज़ आएंगी फ्यूचर में, जितना ही मौसम थोड़ा बेटर होता है, तो उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। एंड दैट्स इट। मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है। मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पे हम लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, और वहाँ पे हम मैसेजेस में बात कर सकते हैं, या मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है मैं स्टोरीज़ अपलोड करती रहती हूँ यहाँ, और आपकी स्टोरीज़ देखती हूँ, बहुत मज़ेदार लगता है। तो वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते। सो सारे ही लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर। स्टे हैप्पी, confident and strong. You guys can do any freaking thing. All you have to do is think about it and take action. That's it. Easy peasy lemon squeezy.